नमस्कार सतेज सकाल को स्वागत कर नीलिमा कमला खान अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही जहाँकि आज विभिन्न खबर कागज शिरोमुंडन करापर नजर पकेबा आलोचना करवा आम प्रतिनिधि मानु से संपर्क में अपडेट ना तेज से ही क्रम जब आम देखा तेज कोरोना हूँ प्रथम कथा अच्छी खबर रही कोरोना भुवनेश्वर कटक वर्तमान सुधा जहाँ सूचना रही कि जो मैंने नाइट कर्फ्यू कथ कहत कि सटडाउन कथ कहतु कि लकडाउन कथ कहतु सहित जो विभिन्न कटक जारी रही समय सीमा भितर दुकान बजार खोल संपूर्ण अनलॉक एवं होबार संभावना नहीं कारण जदि एबी आम देखा तो मामला जो देखा बर्तमान खोर्धा जिला जहाँ रही 4509 मामला रही खासकर भुवनेश्वर सहर से रही बर्तमान 2065 मामला माने अर्थात पॉजिटिव केस से भी कटक रे मोट एक्टिव केस बर्तमान रही 2193 सहर से कटक सहर से रही 1136 तेणु मोटामोटी जदि आम देखा तेल एबी कटकणा जारी रहा यह सब अंचल एबी संपूर्ण माने अनलॉक होबार कौन प्रकार संभावना ना कमला निहाती निर्मा गोटे चिंताजनक कथा जदि आम देखा धरित्री जो रिपोर्ट प्रकाश कर 15 दिन भितर सर कोरोना मृत्यु ऑडिट आम सदा देखुचे जे मृत्यु संख्या बढ़िया लगी किंतु स्पष्ट करा गोटे दिन मृत्यु संख्या नुहे किंतु बारंबार जो खबर प्रसारण होता जे मृत्यु संख्या ठीक भाव में राज्य सरकार देखाओ ना कि चिंता जाहिर रही बर्तमान ये धरित्री यही खबर प्रकाश करदी देखा निर्भय कथा देखा भुवनेश्वर कटक खोलार नहीं जीत पॉजिटिव संख्या बाहर ताकू देखिले जो 31 तारीख पर जहाँ रही भुवनेश्वर कटक संभावना ना जे लॉकडाउन जो रही जो कटक रही खोल तेज चिन्मय आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि भुवनेश्वर प्रतिनिधि चिन्मय सब खबर कागज से गोटे कथा गोटे बड़े मृत्यु कथा आसूची आ गोटे पटे लॉकडाउन रे किभली भाव में कटक भुवनेश्वर बा कहिबा खोर्धा एवं कटक रे कटकणा सुधरिबनी बा से जो कटकणा रही बलवत्त रखा जिवो के किभली देखुछंती कौन निष्पत्ति आसी पारे आ जो मृत्यु अपडेट को लेकिन आपण कौन अधिक अपडेट रही निहाती भाव में कमलाकान जदि कह कोरोना महामारी चली राज्य कथा कह राज्य कोरोना संक्रमित संख्या कमुचे कि कह मृत्युर हार कमुनी मृत्यु दिनक दिन बढ़िया लगी विशेषकर कटक भुवनेश्वर कथा जदि कहे कटक भुवनेश्वर से संक्रमित संख्या कमी किंतु तीन अंक तलू एपर्यंत कमिनी ओडिशा कथा जदि कहे ओडिशार विभिन्न जिले में तीन अंक तलू को संक्रमित संख्या कमी किंतु मुख्य कथा हूँ कटक भुवनेश्वर जोटि अधिक लोक अधिक जनवसति रही है भुवनेश्वर कथा जी कह भुवनेश्वर 200 अधिक बस्ती रही बस्ती बासिंदा रोचे ये स्थान एपर्यंत जदि कोविड गाइडलाइन कथा कहे तो सटडाउन लॉकडाउन एवं सप्ताहत सटडाउन चली कि यार भितर कौटि ना कौटि संक्रमित संख्या कमार ना नौनी जहाँकि तीन अंक तौक खसी मृत्यु संख्या दिनक दिन बढ़ुची यह गोटे बड़ चिंताजनक विषय जदि यदि आग को जहाँ रही अगस्ट 1 रु नुआ गाइडलाइन आसार अच्छी नुआ गाइडलाइन जदि सबकि खोली दि जाए तेबे बोध हुए संक्रमित संख्या बढ़ी पारे यह गोटे बड़ चिंताजनक विषय जदि निर्भय खबरकगज कथा कह तो आज जहाँ से अपडेट रही भाव में केरल रे जी कह मृत्यु संख्या बढ़ी एवं से गोटे दिन में 22,000 अधिक लोक संक्रमित चिन्हट होते जी यही यहाँ गोटे ओडिशा सरकार गोटे बड़ चिंताजनक विषय कोहल करोर्धा विशेष कटक जारी रहा रही स्पष्ट भाव निहाती भाव में जदि कह तो कटक जारी रहा दरकार कारण जदि हाट बजार कथा कहे लोकों भितर से सचेतनतार अभाव देखा मिलूँ जदि से भाव में लोक सचेतन था तेज बोध हुए अगर जिला गुड़िक भाया कटक भुवनेश्वर में संक्रमित संख्या कमी पार था कि संक्रमित संख्या से भाया रही मृत्यु संख्या जदि कह मृत्यु संख्या दिनक दिन बढ़ुच्छी बर्तमान डेंगू सामना को आसला डेंगू चिंता बढ़ुची तो देखार कथा जेहेतु 31 तारीख में जुलाई गाइडलाइन शेष होउची तेणु अगस्ट जो नुआ गाइडलाइन आसिबो से कौन स्वतंत्र व्यवस्था कराई क्यों जिला को अनलॉक पूरापूरी करा कटकणा क्योंटी बलवत्त रहिबो नजर धन्यवाद चिन्मय रखला प्रतिनिधि चिन्मय साहू निहाते निर्मा परवर्ती खबर जो देखा जोटा कि गुरुत्वपूर्ण रही है 31 युक्त 2 विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा फल प्रकाश पाइब धरित्री से ही खबर प्रकाश कर प्रमेय भी देखा 31 युक्त 2 वाणिज्य विज्ञान फल
सेपरी प्रमेय देछि मैट्रिक ऑफलाइन परीक्षा कथा मते देछि निरीक्षकक कोविड टेस्ट को बाध्यतामूलक करा जाय छि। तो ए जो कोरोना काल रे जे किभले भाबरे शिक्षानुष्ठान खोलिबो परीक्षा बो एसो उपर समस्त नजर रहितला एबे जो एसो धीरे धीरे खोलुछि कॉलेज खोलुछि एवं परीक्षा मध्ये होछि तो या पर समस्त नजर रहिछि ए संपर्क अधिक आलोचना करिया कटक ग्राम सहित इमरान जोडी हिचेंते। इमरान आमे तीनटी खबर कहिले गोटे युक्त दुई वाणिज्य परीक्षा कथा कहिले एवं जो रहिछि जिक्त दुई वाणिज्य 31 रु फल प्रकाश पाइब सेपरी मैट्रिक रे जो ऑफलाइन परीक्षा कथा निरीक्षकक कोविड टेस्ट बाध्यतामूलक ए सब खबर भितर किभले देखुचंती जे प्रकृत रे चिंता तो रहूची पिला माने जिबे कॉलेज जिबे परीक्षा देबे तार भितर कटकणा किभली पालन हेबो एवं जो गाइडलाइन अछि ता पालन होउची। त देखो कमलाकांत आप जानते वर्तमान कोविड महामारी समय एजुकेशन व शिक्षा व्यवस्था होती सब बड़ चैलेंज किपर भाव में सुरखुर परीक्षा सर पे रिजल्ट प्रकाश होती शिक्षा विभाग मानक सब बड़ चैलेंज रही है। यार भितर देखुए आप धीरे धीरे मैट्रिक परीक्षा आरंभ करके परीक्षा सर कि परीक्षा फल जो अपेक्षा था जेहतु मैट्रिक तो परीक्षा फल प्रकाश पाता कि जो मैंने ऑफलाइन परीक्षा देव अर्थात जो मैंने संतुष्ट छात्र छात्री थे जो मैंने संतुष्ट नथिबे तांकर मार्क को लेकिन जो असंतुष्ट छात्र छात्रों को संतुष्ट करवाई आसंता काल ठारु परीक्षा पापाई जाउची एवं जेहेतु आप जानते बोर्ड पक्षर यह परीक्षा आयोजन कराई पाखापाखि 15,000 छात्र छात्री समग्र राज्य में परीक्षा देते से विभिन्न परीक्षा केन्द्र चयन कर पाखापाखि 504 टी परीक्षा केन्द्र रही सब परीक्षा केन्द्र जेहेतु कोविड गाइडलाइन को पूरा पूरी भाव में कड़ाकड़ी भाव में पालन हो प्रति परीक्षा केन्द्र में आइसोलेसन वार्डर व्यवस्था कर जो मक्ष थंडा काश छिंक झार भी होने आइसोलेसन वार्ड रखा परवर्त अवस्था से घर को पठाई दीजिए कि आज जो मैंने इनविजिलेटर जो मैंने परीक्षा निरीक्षक रेले से स्वतंत्र व्यवस्था कर जो कोविड टेस्ट होती है बाध्यतामूलक नेगेटिव रिपोर्ट रही ही से परीक्षा केन्द्र को प्रवेश करें से पूरा पूरी भाव में कड़ाकड़ी भाव में कोविड नियम को पालन करने बोर्ड पक्षर कह समस्त निरीक्षकों कोविड टेस्ट बाध्यतामूलक रखा जाए जो मैं नेगेटिव रिपोर्ट थी से देखा प्रमेय को देखा से गोटे खबर अच्छी जे कला और धंदामूलक विलंबपाई सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दायर हो जो कला और धंदामूलक जो परीक्षा रिजल्ट तादरे विलंब होउची ताकु नै कोन अधिक अपडेट होइछि कि जेहतु कमलाकांत ए तो यह पूर्व मुझे मैट्रिक विषय आलोचना करते जो युक्त दुई कथ देखिए जेहतु आसंता 31 तारीख संध्या 6 सुधा युक्त दुईर विज्ञान और वाणिज्यर परीक्षा फल प्रकाश पाव कि कला और धंदामूलक परीक्षा फल प्रकाश पावर टी विलंब हम लेकिन आप जानते हैं किसी दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट अनेक आवेदन होते किपर भाव में युक्त दुई पिलांर जो मैंने गतश जो पिलाने पाठ पढ़ुंतर जो परीक्षा देते रिजल्ट तथा शीघ्र प्रकाश करने सुप्रीम कोर्ट आवेदन पर आवेदन होता और सुप्रीम कोर्ट तापर शुणी करके जुलाई मस शेष सुधा रिजल्ट प्रकाश करने कला निर्देश देते समस्त शिक्षा विभाग को राज्य हो उभय केन्द्र हो कि परिप्रेक्षी जेहतु राज्य गणशिक्षा विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन रोचे युक्त दुई से आसंता 31 तारीख अर्थात पर दिन संध्या 6 सुधा प्रथम विज्ञान और वाणिज्य छात्र छात्री मान रिजल्ट प्रकाश पाव पाखापाखि 1,20,000 छात्र छात्री अच्छे परीक्षा फल प्रकाश होगा जाए जो थी विज्ञान अच्छा पाखापाखि 95,000 और वाणिज्य अच्छा पाखापाखि 20,000 तो एमकर परीक्षा फल प्रकाश पाया मैट्रिक रिजल्ट को असंतोष थमी तेणु जितेबाला युक्त दुईर विज्ञान वाणिज्य और कलार रिजल्ट प्रकाश पाव धंदामूलक शिक्षार रिजल्ट प्रकाश पाव तापर पिलामानंकर रिजल्ट कौन आसुची केते प्रतिशत माने पास आर रहुची कारण जेहेतु मार्किंग गोटे एभली परिस्थिति रहुची कोरोना स्थिति रे तो ताकुने केमिति अभिभावक एवं छात्र छात्री रिएक्ट करछन्ति तापर पर नजर। धन्यवाद इमरान इलेक्ट्रॉन प्रतिनिधि इमरान खान आसीबा परती खबर को कमलाकांत जति आमे देखिबा बाघ गोटे मुख्य प्रसंग वर्तमान आइछि कारण बाघ केते सुरक्षित ओडिसा रे ताकुने वर्तमान गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि कारण जहाँ खबर रहिछि कि देश रे जतियो बाघ संख्या बढ़ुची किंतु राज्य रे एहा कमुची एवं एमिति भी प्रश्न उठुची कि सातकोशिया जो बाघ संरक्षण योजना रही फेल मारछि सिमिलीपाल भी बाघ संकट है तेरे अंपटे जो सुनाबेड़ा को जो प्रपोजाल दि जाइए कि व्याघ्र अभयारण्य हम तारंभ हो सब बड़ कथा हूँ जो भाव में सुंदरी फेरी जा कमलाकांत आम जो देखा सिमिलीपाल जो भाव में स्थानीय लोकों विरोध रहा तो कौटना कौटि बाघ वंश केमी विस्तार हो खासकर ओडिशा से गोटे सब बड़ कथा तेणु ये वन विभाग और खासकर देखा पीसीसी जो भी भाव में रही भूमिका भी बेस गुरुत्व रखुच्छी और सब बड़ कथा जो फिगर टी रही देखा ओडिशा 2006 जो 45 महाबल बाघ थे 2010 संख्या 32 को आसला 2014 2018 भी से समान स्थिति तेणु बाघ वंश बढ़ुनी बड़ बाघ वंश कमुची बाघ संख्या कमुची केते सुरक्षित सेटा गोटे बड़ प्रश्न उठुची आलोचना करम से रही प्रतिनिधि तपन दास रही तपन
जेहेतु वर्तमान सातकोशिया कथा उठुची सातकोशिया रे बाघ्र संरक्षण योजना फेल मारछे एक प्रकार कारण जो भली भाव में योजना करा जायतला जो भली भाव में चिंता करा जायतला ता ए पर्यंत भी कार्यकारी हे पानी जदि हे थांता ताले देशर जोटी बाघ संख्या बढ़ुची सेटी राज्य रे किमिति बाघ संख्या कमुची एभली परिस्थिति केबे भी गणनारु सामना को आसना थांता अपडेट कोन आछि केबे सुद्धा ए योजना कार्यकारी हेबो निश्चित पक्ष देखु सातकोशिया अभयारण्य व्याघ्र प्रकल्प नहीं जो परिकल्पना करा जाइतला ताहा वर्तमान अनिश्चितता भितर रही गोटे प्रकार कहुच्छे कहीं आपड़ जानते व्याघ्र वंशर वृद्धि करने सातकोशिया अभयारण्य अंचल मध्यप्रदेश रु जो दुईट बाघ अणा जाता महावीर और सुंदरी प्राथमिक स्तर में महावीर संदेहजनक अवस्था मृत्यु हवा और सुंदरी को पुणी प्रत्यावर्तन करोट ना कोटि निश्चित भाव प्रश्न उठिला यार मुख्य कारण जहाँ से आलोचना जेहेतु वन विभाग परिचालनागत त्रुटि रहिला सेपाई सुंदरी को बाध्य सेठे पुणी प्रत्यावर्तन करने को बाध्य वन विभाग यार प्रमुख कारण गुड़िक रही तेरे मुख्यतः आपन जानते सातकोशिया अभयारण्य जदि कहुए तो कहीं व्याघ्र प्रकल्पर परिकल्पना कराला मूल कथा है पूर्वर एठारे व्याघ्र वंश थे एवं गोटे बाघणी रही जहाँ सरकारी सूत्र जमापड़ी जोटा कि नेचुरल हैबिटेट से जन्म होता और सी वर्तमान जाए अच्छी तेणु यह आधार करके सातकोशिया अभयारण्य अंचल बाघ वंशर वृद्धि परिकल्पना कर प्रथम पर्यायर जिते महावीर को एटी को अणा जाता महावीर जो भाई भाव शिकारी जाल पड़ी महावीर टाइगर जो भाई भाव मृत्यु है या कोटना कोटि से जो वन विभाग परिचालनागत त्रुटि को मुख्यतः दायी करागला और द्वितीय कथा है सुंदरी कथा जदि आम कह जानते चलित बर्ष सुंदरी को पुणी थे प्रत्यावर्तन कर दीर्घ दिन धरी से जितेबले संपृक्त अंचल आतंक खेलला और जनबसती मुह है केतकांशे जीवन हानि एनक्लोजर मध्य दीर्घ वर्ष धरिकी रखाला उद्देश्य था हुए तो तार जो आचरण में किटा पर घटव पुणी तार जो नेचुरल हैबिटेट अच्छी बा जो जंगल भितर अभयारण्य भितर ताकू छड़ा जिवो किंतु यह मध्य संभवपर नै सातकोशिया अभयारण्य अंचल रे अपन एडी गोटे प्रश्न कण आज होची व्याघ्र दिवस एभली दिवस रे आमे एक कथा आलोचना करूचे ओडिसा रो स्थिति कथा आलोचना करूचे जदि केवल देख सातकोशिया कथा नय सिमिलपाल कथा जदि देखिबा ताले 2004 रे सिमिलपाल रे 100 रु अधिक बाघ थिले किंतु वर्तमान स्थिति रे परिवर्तन आसी तो कारण कोन देखुचंती कारण जदि देश रे बढुची भारत रे संख्या बढुची ओडिसा रे एंती कोन अभाव रहुची राज्य सरकार को नीति रे असुविधा रहुची ना कोनोसी प्राकृतिक कारण रहुची कारण जदि देश रे बढुची ओडिसा रे काहे कि कमुची सातकोशिया कथा कोन तो सिमिलपाल कथा कहतु आ सब बड़ कथा युव जो धरा पड़ू जो अवहेला कथ धरा पड़ू तापर कार्यानुष्ठान हो नहीं कारण ये तथ्य तो निहाती भाव में चिंताजनक किंतु कार्यानुष्ठान हो नहीं निश्चित पक्ष देखु उभय सातकोशिया कथा कहतु बा सिमिलपाड़ कथा कहतु जोठे भारत बर्षे व्याघ्र वंशर वृद्धि होता बेले जिते बड़े कमुची या निश्चित पक्ष एक चिंताजनक प्रसंग कहले अतिरिक्त होने हुए तो यार विभिन्न कारण होता पे जो भाव मुझे सातकोशिया कथा कहती सातकोशिया गोटे प्रमुख कारण कहगला से परिचालनागत त्रुटि तेणु जो भाई भाव आप सिमिलपाड़ कथ कौन निश्चित भाव सिमिलपाड़क प्रमुख कारण रोचे कहीं भारत बर्षे गोटे पटे व्याघ्र वंश वृद्धि होउछ किंतु सिमिलपाड़ काहेकि कहउछ या निश्चित पक्षे तर्जमार विषय तो हुए तपन एटा तर्जमार विषय आज व्याघ्र दिवस रे एभली कथा को राज्य सरकार निहाती ध्यान दियंतु एवं जहा किछि कमी रही जाइछि ताकू पूरा करंतु ते बहुत बहुत धन्यवाद तपन आपनकर समस्त सूचना पई तो परवर्ती खबर जटा रहिछि जदि देखिबा समाज रे बाहरछि प्रशासन को अपहंच 8 आदिवासी परिवार जाजपुर ए खबर आसुची मौलिक सुविधा मिलूनी प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ मिलूनी तो ये सब भितर जाजपुर ए खबर आसुची बड़चना ब्लॉक बंतला पंचायतर उपला निकट थिबा आदिवासी परिवार को मौलिक सुविधा मिलूनी एभली एक खबर को समाज स्थान देछि फोटो सहकारे स्थान देछि एवं विभिन्न योजना किभली पहुँची पारुनी आदिवासी को पाखरे ताकू से लोकलोचन को आनी तेज अधिक अपडेट बा परमेश्वर आम सहित रही प्रतिनिधि परमेश्वर समाज ये जो खबरटी बाहर करती भाव में दर्शाऊँ जे राज्य सरकार जो कथा कौन जे आदिवासी काम करूँ ये खबरटी प्रकाश कर समाज तो यहाँ तार पोल खोलूनी कि जदि 8 आदिवासी परिवार जो रही मौलिक सुविधा मिलूनी प्रति ध्यान दि जाऊनी प्रधानमंत्री आवास योजना सुविधा मिलूनी तो राज्य सरकार करूँ कौन कारण आदिवासी योजना करवा नौ प्रचार करुँचु ग्राउंड जीरो तो रियालीटा
देखंतु कमलाकांत ए जाजपुर जिल्लार जो बरचणा ब्लॉक कथा सामना को आसुची जोटिक आठ आदिवासी परिवार को मौलिक सुविधा मिल पार नहीं यह केवल बरचणार घटना नुहे जाजपुर जिल्लार अनेक स्थान में आम पूर्व देखे सारी अनेक स्थान अनेक केवल आदिवासी नुहे साधारण लोकटे विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग वंचित रोचे आवास योजना तो सात सपन हो पड़ी गरीब लोक मानी ता सहित जदि आम देखा नगड़ा कथा आम स्थान दबा से आदिवासी मानक जो मैंने जुआंग आदिवासी रही वर्तमान सुधा अनेक मौलिक सुविधा सुजोग दि जाइए अपहांच रही रही तो यह घटना जाजपुर गोटे छोटिया घटना नुहे कारण राज्य सरकार बारंबार कहते साधारण गरीब निष्पेषित लोक सरकारी सुविधा सबुबे पहुँचार प्राथमिकता रही है से सब सुविधा सीधा सड़क बाटमारणा हो सीधा सड़क से सब सुविधा सुजोग गुड़िक बड़ बड़िया लोक मैंने हाथ जहाँफल बर्चना भाई घटना सामना को आसूँ और जो आदिवासी पर आठ आदिवासी पर बर्तमान मौलिक सुविधा वंचित अच्छा से भाई घटना सामना को आसुची आउ गोटे कथा कहींपर जिलापाखक व्यक्ति सब समय आसी था अनेक भत्ता कथा कहतु राशन कार्ड कथा कहतु ये अनेक सुविधा सुजोग वंचित अच्छा से बारंबार आसला भी से पाखे कौन सुविधा सुजोग ठीक से पहुंची पारे ना बास्तव चित्र कथा जब कह योजना कौन योजना क्या कौन कारण जदि देखा राज्य सरकार एकदम एक प्रकार योजनामय सरकार जन्मठू मृत्यु पर्यंत योजना ही योजना किंतु ये योजना बाटबणा हो प्रकृत हिताधिकारी पाखे पहुँचुनि कौन पाई एवं खास करी एमाने एत्ते दिन धरी ठाकुरानी पाखे माने जो मंदिर पाखे रोचान झाटीमाटी घर कर प्रशासन दृष्टि आढ़ुआल केमी रही जा देखंतु नीलिमा बरचणा ब्लॉक रे जो प्रकार भाव से पखापाखी पखापाखी पांच रु छ मास धरिकी से बसवास करुछन पूर्वरु से विभिन्न समय रे जिला प्रशासन पाखे को जणैथिले किंतु सेमानकु वर्तमान सुधा कोनोसी सुविधा सुजोग एथिपई दिया जाउनी जे अनेक समय रे आमे देखुचे जो वास्तव चित्र देखुचे जे गरीब लोकर घर टिकु कोनोसी बडबडिया लोक बा राजनीतिक दल रे संपृक्त थिबा प्रशासन थिबा लोक से हते नउ 25 वर्ष ओडे छोटो समय ने 25 वर्ष ला समान रहउछन्ती निश्चित भाव में सामान कथा कह जो 25 वर्ष धरिकी से रही आसुचार यह केवल जाजपुर जिलार बरचणा ब्लक कथा नुहे जदि आम देखा पूर्व आम पालटपुर कथा देखते से बहुत दिन धरिकी गोटे स्कूल बारंडार से आश्रय नौते या पूर्व आम जानते बरी ब्लक देखते पखापाखि पांच रु सात वर्ष धरिकी से गोटे छोटिया स्थान परित्यक्त स्थान में निजर मुंड गुंजा सक्षम होते कारण यार मूल में गोटे कारण हो पाए सीधा सड़क आम कहीपर जाजपुर जिले में विकास जमी लगुच बाटपणा जो योजना करा से योजना लोकों पाखे सठिक भाव में पहुंची पारे कारण ये तो थिला गोटे मात्र उदाहरण कितु परमेश्वर जो भाव में गोटे गोटे ब्लक रोटे गोटे अंचल आमको कथा कहते निहाती भाव में ये प्रश्न कि जाजपुर जिला प्रशासन करुच्ची कौन एवं सरकारी योजना जाजपुर जिले में कहीं कार्यकारी हो पारे और प्रकृत हिताधिकारी सुफल कहीं तो देखार कथा जिला प्रशासन ए दिगरे के पदक्षेप ने जो मैंने प्रकृत हिताधिकारी से समस्त मौलिक सुविधा केबे सुधा जगा जाउची धन्यवाद परमेश्वर निर्माण परवर्ती खबर को आसीबा एटा मध्य समाज रे जोटा आम देखुले वर्तमान खबर तबे पुणि थरे खबर भी समाज रु अछि असंपूर्ण राजपथ पई बढ़ुची दुर्घटना एटा केन्दुझर आसुची संजोगी रास्ता अधपंतिरा होबे पड़ी रही जातीय राजपथ 215 कोड़े जोर रही से खबर को तो जी निहाती भाव में कमलाकांत कितु ता पूर्वर जो आसी खबरटी आम भद्रक जिलूर कि आप्रोच रोड निर्माण में बड़ समस्या हो कारण आप देखिए बर्तमान जेकोसी राज्य में जेकोसी सेतु होनसी रेल लाइन हो गए बड़ समस्या हूँ आम जमी अधिग्रहण और जो जमी बिवाद लगी रही जो मैंने जमी मालिक रोचान से जेहतु जमी छाड़ू ना कारण से सठिक जो अनुकंपामूलक राशि मिलूनी जो सबुपी कार्य अधारे अटकू तो से भी खबर आसी कि भद्रक जिला बंद ब्लक आगरपड़ा स्थित टिकिरा श्रीरामपुर गाँव को जो संजोगीकरण रही सालंदी नदी पर जो ग्राम्य उन्नयन विभाग पक्ष जो विजु सेतु निर्माण जो मानने योजना रही है निर्माण तो सरी कि जमी चिन्हट में बिवाद जेहेतु लग रही तेणु निर्माण कम गोटे बड़ समस्या ढड़ा जो जो क्षतिग्रस्त पर रही अभोग कर ठीक से जो क्षतिग्रस्त जो है ठीक से अनुकंपामूलक राशि दिया जाए प्रकृति में कौन घटना घटी कहीं विजु सेतु निर्माण पर भी निर्माण कम तर सरी पारे ना निर्माण कहीं संपर्क अधिक आलोचना रही प्रतिनिधि दीप्ति रंजन दीप्ति यो आगरपड़ा स्थित टिकिरा श्रीरामपुर गाँव को जो संजोग करजु सेतु निर्माण कराई
ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହୁଛି ଜାଗାରେ, ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ନା ନାହିଁ, ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଜମି ବିବାଦ, ଯେଉଁ ବାର ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା କୋର୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା ଆଗରପଡ଼ା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଆଗରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଟିକିରା ଶ୍ରୀରାମପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅବଧି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ପେପରରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2020ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆମେ ଖବର କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ରିଏଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିର ଦେଖିଥିଲୁ, ବିଜୁ ସେତୁଟିରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକିରାଠୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶାଳନ୍ଦ ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ତାରିଖ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବା ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବଧି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବାର ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ 2017 ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବଧି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ରିଜ୍ର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମ କତିରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତ ବାହାର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜମି ଛାଡ଼ିବାର ନାରାଜ ରହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଜମି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରାଶି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସହିତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ? ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ 2017 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏଇଟା ସରିଲାଣି, ମାନେ ଯାହାର ଯେଉଁ ସମୟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ 2021 ହୋଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ବିଜୁ ସେତୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି କହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେଠି ବଡ଼ କଥା ନୀଳିମା, ଆମେ 3ଟି ବ୍ଲକରେ 18ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀରାମପୁରରୁ ଟିକିରା ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆଗରପଡ଼ାର ବଜାର ଉପରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏପଟରୁ ସେ ନଈ ପାର ହେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ଜିଦରେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବା ଯାଏ, ସେମାନେ କେବେ ବି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପରେ କେତେ ଦୂର ତ୍ୱରିତତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ଜମି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତା'ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ବିଜୁ ସେତୁଟି କେବେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେବ ହେଉଛି ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ, ଇରେଖଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ନିର୍ମା, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଖବରକୁ ଆସିବା ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗୀ ରାସ୍ତା ଅଧପନ୍ଥରେ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 215-20ର କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାସ୍ତାର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସମାଜ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ତ ରାସ୍ତା ଭଳି ତ ଜମା ବି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ କହୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି ରାଜପଥ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଯିବା କେନ୍ଦୁଝର, ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ରହିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ, ଏ ଯେଉଁ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏଇ ଖବରଟିକୁ ଫଟୋ ସହକାରେ, ତ ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ଭଳି ଜମା ବି ଲାଗୁନି, ତ ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏହାପରେ କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେଣି କି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତ ଦେଖିଲେଣି କି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ,
जो आज समाज रे बाहर जो फोटो बाहर जो केन्दुझर जो पाणिकोली ठारु जो राजा मुंडा पर्यंत जो आमर जो 220 प्रथमे 215 नंबर था एबे जो 220 नंबर हो राजपथ बोली जो ये कराई ए राजपथ को गायत्री कंस्ट्रक्शन प्रथमे करथिले गायत्री कंस्ट्रक्शन करके अधा पंतरी रे छाड़ी देथिले एवं अधा पंतरी छाड़ला परे सेही दिन ठारु पूरा दीर्घ 5 वर्ष रु अधिक लोक माने हैरान हरकत होउचंती विभिन्न जगह रे जोटी डाइवर्सन कर देछि सिंगल रोड कर देछि सेही जगह रे लोक जे बारंबार जो दुर्घटना होउछि केवल तार कारण केवल एया आबे बहुत जगह रे जो संजरी को जो रास्ता बा सर्विस रोड एपर्यंत भी कराइनि आमर जो ढेंकी कोट पाखरे देखिबे ढेंकी कोट रे मध्य सेटा होउछि सर्विस रोड हे नथला बली तांकर सेठी जो टाउन मध्य रे बहुत एक्सीडेंट होतला केवल टोलगेट जो आमर अछि बना जोडी रहला खंटाघर रहला बा हसनपुर रे सेठी माने तांकर अनवरत चली टोल आदाय किंतु राजपथ को राजकोष जाऊँ सब गाड़ी मानकर कितु एपर्यंत संपूर्ण हो पानी बाकी रहा जो जिला प्रशासन कथा जिला प्रशासन जो आम जो तीन वर्ष तले जो आशीष ठाकुर नूतन भाव जॉइन करते सी प्रथम गोटे नोटिस गोटे तागिद करते तागिद अणदखाला से गला वर्ष नोटिस भी है नोटिस अणदखाला यापर से पुणी कोर्ट्रे मामला रुजु जिला प्रशासन तरफ तापर भी आम जो जितियों राजपथ जो कर्मकर्ता अणदखा कर केन्दुझर जिले में सब बड़ कथा है जो आम जो बेलवाड़ी निकट में एपर्यंत पोल होनी जोटा कि सबूत से जाम रोच दुर्घटना होटार गोटे बड़ इश्यू होकर रही निश्चित भाव मास्टर सरन जमी कौन आपड़ पांच वर्ष हो गला तथापि भी कम सरुनी तो आउ केत समय अपेक्षा करा पड़ो लोक मूठार खणी कथ देखा केन्दुझर निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण स्थान रही केन्दुझर जिलार सहित जो साधारण लोक रही दुर्घटनार शिकार होती बहुत बहुत धन्यवाद ए मास्टर सरनम अधिक अपडेट दौले केन्दुझर खबर जो संपर्क जो समाज बाहर कर तेज आगक सते सकाल आम सहित अतिथि जोड़ी हे तो समस्त अपेक्षा थी तेज बर्तमान समय हो गए छोट ब्रेक ब्रेक पर स्वागत आगो को सतै सकाल को बढ़ेबा किंतु ता पूर्व नजर पके देबा वर्तमान रो हेडलाइंस उपरे राज्य रे हजार तळकु खसुनी संक्रमण गत 24 घंटा रे 1615 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 442 कोरोना आक्रांत सेपडे सरी आसुची जुलाई कटकणा अवधि अगस्त रे कोन रहिबो नुवा गाइडलाइन ता उपरे राज्यवासी को नजर ओलंपिक सप्तम दिन में भारतीयों दमदार प्रदर्शन हॉकी रे अर्जेंटीना को 3-1 हराइला टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल पीवी सिंधु तीरंदाज रे राउंड ऑफ 16 रे अतनु दास आज नुआ जातीय शिक्षा नीतिर वर्ष पूर्ति देशर नीति निर्धारण छात्र शिक्षक को संबोधन करिबे प्रधानमंत्री एकाधिक नुआ कार्यक्रम करिबे शुभारंभ उपस्थित रहिबे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान राजधानी में बढ़ुची डेंगू भय पुणी चिन्हट हेले 32 नुआ रोगी सेपटे स्थिति संगीन होगापर चेतिला बीएमसी गठन होई स्वतंत्र स्वास्थ्य टीम आगो को घर घर बुली सचेतन करिबे स्वेच्छासेवी लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आगामी 3 दिन जाए प्रबल वर्षा संभावना 12 जिला को येलो वार्निंग जारी मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जीवा मना करोना काल में खोल राज्यर समस्त मेडिकल कॉलेज डीएमईटी को एसएस लिखिले चिठी 50% छात्र छात्री को नहीं हेबो प्रैक्टिकल एवं क्लिनिकल क्लास क्लास पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग बाध्यतामूलक आउ गोटे दिन परे प्रकाश पाइब प्लस टू विज्ञान और वाणिज्य परीक्षा फल पर खूब शीघ्र प्रकाश पाइब कला और धंदामूलक रिजल्ट उच्च माध्यमिक परिषद पक्ष दिगला सूचना अर्गस महाप्रभा भिटा माटी को फेरिबे कलाहांडी साहजखोल जंगल में पाल तले दिन काटुवा निरीह आदिवासी परिवार सुविधा सुजोग सहित सुरक्षा जोगाई देव जिला प्रशासन 11 दिन धरी चलता शांतिपूर्ण आंदोलन एवं बयस 4 वर्ष 4 मास असाधारण स्मृति शक्ति बल में देखते कठिन प्रश्नर उत्तर 30 अधिक राइम 100 एक जाए ओलटा गणति कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रह्मपुर नीलाचल नगर अंचल कुनी प्रतिभा आर पटनायक दास तेबे जमिति
कमलाकांत आपण कहते ब्रेक पूर्व सतेज सकाले सब आम सहित जन अतिथि जोड़ी था तेणु से क्रम में आज आम साथ जन अतिथि रही से होती स्वप्ना षडंगी तेज स्वप्ना सहित तो आम स्वागत कर आलोचना करवा तेज स्वप्ना विषय में किसी कही रखुच्छे से होती जन ओडिसी भोकाल विशारद एवं से बहुत पिला बेलू अर्थात जिते बयस मात्र एगार होता से गीत गायब आरंभ कर चंदन यात्रा झूलन यात्रा देवस्नान पूर्णिमा आदि समय महाप्रभु से कंठदान कर सहित अनेक जो रही घर चैनल रही जो रियल माने आमर जो कार्यक्रम सब होता है से कार्यक्रम में भाग नहीं विभिन्न प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम में भाग से नहींती स्वर भक्तिर से फाइनालीस्ट थे प्रार्थन जो रही ओडिसी छंद चंपूरी से गीत गाई सब बड़ कथा होची जातीय स्तर जो कार्यक्रम रही रियलिटी शो से मत से भाग नहीं जमीक वॉइस ऑफ ओडिसा बेस माने नामकरा शो तेणु से सामिल होते तेणु आज अतिथि होती स्वप्ना षडंगी तेणु स्वप्ना षडंगी जे केवल भोकाल गाती ना कौन सी प्रकार मुवीर गीत गायबार इंटरेस्ट अच्छी व्यक्तिगत जीवन विषय में जाणी स्वागत करवा स्वप्ना षडंगी को स्वप्ना आपन को बहुत बहुत स्वागत सतैश सका एवं आशा करोना टाइम रे आपण बहुत भलि थे जेहेतु पूरीर झील निहती भाव में महाप्रभु विशेष आशीर्वाद आपण रही थी आपण को स्वागत करती सते सकाल को नमस्कार मैडम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बहुत भल अच्छी आपण मैंने भी मु होप कर समस्त भी भल थे कोरोना समय थैंक यू निहाती नीलिमा आगे तो कथा किंतु जगन्नाथ कथा उठिला पुरी कथा उठिला तो आपण भजन गाती ओडिसी रही आपणकर प्रिय रही तबे आगो प्रथमे आम जो श्रोता मान रही गोटे भजन टी सुनाइबा तापर आपण सहित आग कथा निहाती जेहेतु मु पुरी रा झियो आ पुरी रे मध्ये मु मैरिज करछि तो फास्ट पुरी कथा आसिले जगन्नाथ कथा आपे आपे मन को आसी जाए तो आम से जगन्नाथ गोटे गीत रु ही स्टार्ट करवा तो मुझे छोट थी मुझे गीत रु प्रथम आरंभ करी कहले चले कैरियर तो से गोटे गीत गाऊँ बहु दूरी देखा दिए पतित पवन रे बड़ देजे से चका नयन रे बहु दूर देखा दिए पतित पवन रे बड़ देउल रे बीजे से चका नयन रे धन्यवाद खूब सुंदर स्वप्ना अनियति बापरे जिमती आपण कहले पूरी कथा जतेले आसे ऑटोमेटिकली माने कालियार नाथ से जोड़ी जाए स्वप्ना निज विषय किसी कहते जो मैंने आपण को देखुं स्वप्ना को से केमती भाव में जानवे स्वप्ना निज विषय निजक केमती डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त मत वर्तमान मोर जोटा प्रोफेशन रही आई मीन ऑल इंडिया रेडियो अनाउंसर एट पुरी गोटे मु गोटे भल स्टूडेंट थी मेरिटरी स्टूडेंट थी गोटे तापर मु जेहेतु गीत गाए समस्ते स्कूल हो कॉलेज हो सब मोर गोटे अलग क्रेज थिला आ समस्ते मते से हिसाब से ही चिन्हुले वर्तमान भी चिन्हुंट समस्ते बेले बेले एमती मु कोठी जदि जाए थाए भी समस्ते कहते अच्छा तुम्हें जो स्वप्ना ना स्वर भक्ति थिल ए फाइनालिस्ट थिल बहुत सुंदर गाऊल से शुणी बहुत खुशी लगे आउ टिल नाउ भी कैरियर चली बहुत सारा स्टेज शो करे वर्तमान कोरोना जो टिके सेटा टिके व्याघात हो जाए बट एनीवे आगो को सेटा कैरियर हम एंड सक्सेसफुली मु जाई परबे रास्ता रे मोर सेति बहुत विश्वास अछि मां बहुत सपोर्टिव थिले किंतु बापा नथिले किने देखंतो भाग्यर माने एमिति माने नियतिर नीति रहिछि मैरिज भी जोटी कले सी मते गीत गाती गोटे कला परिवार आपण मते मैरिज कले सो निजो केते लकी फील करंती आपण बहुत लकी फिल करे फर्स्ट ऑफ ऑल कहवा चाहे जे मोर छोट बेलू मो माँ बहुत चाहूँ मुमती गीत गाए तर से गोटे स्वप्न था सी कैरियर रे आगो को जिबे गीत गाइबे बट ताकू सेमती कौन सी भी स्कोप मिल ना जेहेतु से मो भितर से टैलेंटा देखिपारे तो सी चाहिले जे मो झियो गाऊ सब ना करूँ आई है जे माँ स्वप्न सत है आ माने एबे भी मन अच्छे जो भी प्रोग्राम हुए मोर सहित माँ पूरा जड़ित था
ସବୁ ଯେକୌଣସି ସେଟ୍କୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଗଲେ ମାଆ ଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ବାପା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ମୋତେ କେବେ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଏତେଟା ବି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ନଥିଲେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ସବୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଝିଅ ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରଉ ଆଜ୍ଞା 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 ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ବାପା ମାଆ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ ଲାଇଫ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଂକୁ ନେଇପାରିବା ସେଇଟା ଯେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲକିଲି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଇନ୍ଲଜ୍ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଯେହେତୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ ଭଲସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର୍କୁ କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର କ'ଣ ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବା ଦରକାର ଏଇସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ କହିବି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଗୀତ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସର ଜମେ କି ମାନେ ଗୀତ ଆପଣ ବୋଲନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୋଲନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି କେବେ ଆସର ଜମେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଉଭୟ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି ତ ଏମିତି ଆସର ଜମେ ବହୁତ ଥର ଆସର ଜମେ ଆମର କିଛି ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିପଡ଼ୁ ବାକି ଶାଶୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଚଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସ୍ପେସିଆଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୀତରେ ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗା ସେଇଟା ଗା ଏଇଟା ଉଠା ଏଇ ଗୀତ ଉଠା ସେଇ ଗୀତ ଉଠାଇକି ମୋତେ ଶୁଣାଓ ଏମିତି ସବୁ କୁହନ୍ତି ବାକି ମୋର ମାଉସୀ ଶାଶୁ ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେବେ ବି ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଆସର ଆମର ବସେ ଆଉ ମଉସା ସମସ୍ତେ ଗାଆନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେମିତି ନଥାଏ ଯେ କିଏ ଭଲ ଗାଉଛି ଖରାପ ଗାଉଛି ଏମିତି ନଥାଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଟ୍ରୁ ଲଭର୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଘରେ ପରିବାର ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଏ ଗୀତ ଗା ସେ ଗୀତ ଗା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ସେ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବିନି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ କିଛି ଗୀତ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଶାଶୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଭଏସ୍ରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିନ ମହିନେ ସାଲ୍ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଗାଇଥିବା ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ମୋତେ ଶୁଣେଇବୁ ତୁ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ହିଁ ଶୁଣେଇବୁ ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଫଟାଫଟ ସେ କାମ ନିପଟେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଥିଲୁ ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୀତରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना दिन महीने साल गुजर जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना बहुत सुंदर स्वप्न आ गोटे कथा आपण अनेक माने ଖାଲି ଯେ ରିଜିନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ରହିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମୟ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବି ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ସିଙ୍ଗିଂ ହଉ ଜାତୀୟ ମାନେ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ବାଜିବାଦ ବି କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର କାହିଁକି ଆମର ପିଲାମାନେ ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ପରି କମ୍ପିଟିସନରେ ଏତେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି
मो माँ बापा के भाव नाते मो झी दी दिन शिखला पर जाकि स्टेज रे गायब किंतु वर्तमान रो जो माने पेरेंट्स रोचंदी से माने दुई मास शिखी थी कि दुई दिन शिखी थी छ मास शिखी था तापर से माने एक्सपेक्ट कर पिला गोटे जाकि स्टेज अटेंड कर पांचटा लोकों सामने गायब आ मोर छोट बेले मोर जी गुरु थे मोर प्रथम गुरु थे गुरु श्री मनोज महापात्र सेकेंड गुरु जिते मुझे आसली से मो गुरु थे गुरु श्री चंद्रमणि लेंका से गुरु मते कहते जो तू स्टेज को आसुचु चारिटा लोक अच्छा माने तू भाभी नबू जे ते आठटा आखि देखुची तो से अनुसार तू प्रिपेयर करू निज को केमी भाबू जे केमती मुझे भल गाईपरि समस्त को भल आउटपुट दे पारि कि वर्तमान कौन हो पेरेंट्स मैंने चाहूंट दुई दिन पर मो छुआ जाकि स्टेज अटेंड करूँ आतीकता मानते भितर छुआ भितर एफिसीयसी आसी नजे से गोटे स्टेज जाकि अटेंड कर किंतु वर्तमान जेतु बहुत सारा सोशल मीडिया रही बहुत सारा प्लाटफर्म रही पिला आग को बढ़िया को बहुत सुजोग मिलूपाई मे भी पिला माने आग को जाऊँच बट से सिंगिंग एते एफिशिएंट हो पार नहीं रिहाज रो आवश्यकता बेस रही आहरी शिखबार बेस आवश्यकता रही है मैं एकदम मान ठीक से शिखे हिसाब से परफॉर्म भी देखे पारे आज्ञा शिखबार कौन से लिमिटेशन न था मानने ईच एंड एवरी डे आमको किसी नुआ लेसन मिले था किसी नुआ शिखा को मिलता है टिल डेथ आमको शिखबार अच्छे समस्त शिखबार अच्छे छोट हो बड़ हो तेणु मु भाभी जे समस्ते सीखंतु और सीखिक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ठीक अच्छे आप जो जातीय स्तर में प्रतियोगिता सब भाग लेते से एक्सपीरियंस कौन रही आपने कौन ऑब्स्टेकल सब फेस करते कौन सब गेन कले विषय में आलोचना करवा कमलाकांत समय गोटे छोट ब्रेक ब्रेक नहीं जा ब्रेक पर पुणि थे आपको स्वागत करुच्छी तेज आम सहित स्वप्ना रही पुरीर जोड़े आम जमी कथा निर्मा जे से बहुत रियलिटी शो रे भाग नहीं तो आम जानापी चाहिए जे प्रथम जितेबाला रियलिटी शो रे भाग ने सेमती एक्सपीरियंस अधिक चाप रही कि आज जो गोटे पर गोटे आप भाग ने सफलता भी मिलला से भी सेक प्रेसर रोचे ना प्रथम यहाँ जी प्रेसर थी इजी होगा जे ना मुझे भाग नहीं गली आत प्रेसर रही जो मैंने भी भाग नौ जो मैंने यंगस्टर मैंने अच्छे से जानापी चाहिए आपठू फर्स्ट जो मुझे भाग नहीं रियलिटी शो रे से मुझुअली जाणी ही नी मे निजे निजे एडमिट करी मुझुअली जाणी नी रियलिटी शो रे केमती गाती केमी निजक प्रेजेंट करती क्या आगे केमती ठिया हुए बसती केमती गीत गाती सब मुझे बिलकुल भी जाणी नी एम बस समस्ते जाऊँच गीत गाइबा को गोटे ऑडिशन हो तो चल मु भी पार्टिसिपेट करी एंड जहाँ हम देखा तो से ही मैंने मोटो थिला जे मो मुंडरे से ही चलता जे हाँ मु गाई परिबे ती तो कॉन्फिडेंस सब बेले थाए मनरे नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट मु कॉन्फिडेंट थाए जे हाँ मु दे परिबे 100% आउटपुट किंतु फर्स्ट फर्स्ट जेतेबेले आमे कोनोसी जगह को जाऊ भलो मंदर कथा आसेनी सब बेले आसे परिपक्वता बा अपरिपक्वता आम भितरे गोटे सेन्स अफ ह्यूमर थाए जोटा कि काम करे आमर हाँ ये मत बेस्ट दबार अच्छे आ मु तो भावे जे माने जोठे भी गीत गाए मत लगे यहीटा हूँ मो लाइफ रोधे माने लास्ट सिंगिंग हम तो मत बेस्ट रु बेस्ट दबार अच्छे आप जो साथी जो कंपिटिटर था मानते कौन एक्जाक्टली हर्डल्स कौन आसे से प्राक्टिकल जो देखे एत बड़ स्टेज क्या देखो आपने भी जो मैंने आसे दे आर टू मच एक्सपीरियंस गोटे नाम करा समस्ते था जो मैंने जज था सो से मानने जो स्टेज सेयार करवा से सहित भी इट्स अपॉर्चुनिटी सो से कौन एक्जाक्टली प्रॉब्लम फेस करते आप जेहतु निजर गोटे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रही आप भाग नहीं कारण आपण कथा भी परवर्त पीढ़ी को बेस मानते सहायक हम से ग्रुम अप कर फर्स्ट ऑफ़ ऑल से मानको देखिला परे ही माने खुशी लगे हाँ आम मान सहित कम करने को सुजोग पाइ बहुत भल कथा किंतु
ସଡନ୍ଲି ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଉ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବିଦେବେ ମୋ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗୀତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କୌଣସି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଏଭ୍ରି ଡଗ୍ ହାଜ୍ ଏ ଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ। ଆଉ ଭଲ ହେବ ମନ୍ଦ ହେବ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଭାବିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି କିଛି ନା କିଛି ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱିଫ୍ଟଲି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ଏହା ହିଁ ମୋର ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ, ସ୍ୱପ୍ନା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋରୁ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସ୍ୱପ୍ନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପରିଚିତ, ସେ ଗୀତ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ନିହାତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତା'ର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲି, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଅଡିସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ସାହୁ, ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଜହ୍ନରାଇଜରେ ଜାଗାଟେ କିଣିଛି ଭଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଆଉ ଆକାଶବାଣୀର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ଲେଖକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଖେଲା, ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ ଥିଲେ ସେଠି ଶରତ ନାୟକ, ଗୀତା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲି ସାର। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇଥିଲି, ଗୀତଟି ଥିଲା ଯେ ତୁମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପବନୀ ମୋତେ କରିବ ତୁଳସୀ ଗଛ, ତୁମ ସେବାରେ ମୁଁ ଆଗେ ଲାଗୁଥିବି, ତୁମ ସେବାରେ ମୁଁ ଆଗେ ଲାଗୁଥିବି, ଆଉ ସବୁ କରିପଛ କରିବ ତୁଳସୀ ଗଛ, କରିବ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏଇ ଗୀତଟା ଥିଲା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ। ସ୍ୱପ୍ନା, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁରିଲା ଆବାଜ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ରେନାଉନ୍ ସିଙ୍ଗର, ରେଡ଼ିଓ ଆନାଉନ୍ସର ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍, ଆପଣ ଫରକ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ରେଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ସୋ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ମ୍ୟାଟର। ମାନେ ସେଇଠି ଆଉ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କେତେ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଆଜି ରେଡ଼ିଓ ଆନାଉନ୍ସ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ? ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯେତେ ଜଣ ବି ମାନେ ଆଡ଼ମାଇରର୍ ଥାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭଏସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛି, ରେଡ଼ିଓ ଭଏସ୍ ତୁମର ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମୋର ଜଣେ ଅଙ୍କଲ ହେବେ, ସିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୋର ଭଏସ୍ ତ ରେଡ଼ିଓ ଭଏସ୍, ଆଉ ତୋତେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଏତେ ଭଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇପାରିବି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ବି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିପେରେସନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବି, ତାପରେ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଭିତରକୁ ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରଦା ପଛରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଜଜେସ୍ ମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପରଦା ପଛରେ ଥାଉ, ତ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ବହୁତ ନର୍ଭସନେସ୍ ମୋର କମେଇଦେଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଏ, ମୋ ଘରେ ଯେମିତି କଥା କହେ, ସେମିତି ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବିକି ଯେ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଆଜି ରେଡ଼ିଓ ଆନାଉନ୍ସର ହିସାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଶୁଣିପାରିବୁ କି, କେମିତି ଆପଣ ରେଡ଼ିଓରେ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ? ତ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଏବେ ସିଙ୍ଗର୍ ନୁହେଁ, ରେଡ଼ିଓ ଆନାଉନ୍ସର ହିସାବରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା କି? ନିହାତି ଶୁଣିପାରିବେ, ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଚାଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାମ କରୁଛି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ମୁକ୍ତା, ତ ସେଇ ଶୋର ମୁଁ ହେଉଛି ହୋଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ମାନେ କାମ କରୁ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ, ତ ଆମକୁ ସ୍ୱିଫ୍ଟଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାର ଅଛି, ତ ସେମିତି ମୁଁ କହେ ଫାଷ୍ଟରୁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁକ୍ତା ପରିସରକୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ସାଥୀ ସ୍ୱପ୍ନା,
तापर मो सहित जी भी कोआंकर थे से माने भी कहते आउ प्रोग्राम स्विफ्टली चले आमको ये झिझटे ना पूरा धीरे 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 बढ़िपार अच्छे आग को एंड प्रोग्राम कम्प्लीट है आम टे रिलैक्सेसन पाऊ तापर आम एडिटिंग आसे एमती सेयरिंग आसे सबकि आसे आम करने को पड़े आमर मुंडे थाए जे कमी लोक आम आवाज को भल पात कहीं आम जेहेतु से मुह देख पारू आई साजुदा जी के बस भी पारू दर्शक मैंने देखी पार्थे सामने कि आकाशवाणी क्या उठी रेडियो कथ उठी मो मन भी गोटे प्रश्न आसूँ जो आप गोटे पुराणा जो गीत रही तो ग्रंथागर रेडियो रही तो सेठी आपणकर प्रिय गीत कौन जो पुराणा आमर रही गीत रही आपणकर सबुठ फेवरेट गीत कौटा जोटा कि आपठी गले शुणाप पाती छोट बेले आप रेडियो से गीतटी को शुणापी भल पाते से गीतटी निहत भाव आम शुणाप चाहिए मु तो रेडियो गले मैंने गीत से माहौल पूरा अलग थाए आकाशवाणी माहौल से गले आप गोटे मैंने इनर फिलिंगस आप गोटे बहुत भल आसे गीतटी मो प्रायतः तृप्ति दास गीत शुणे जमती थाए गोटे मु तुम बधु नुहे बंधु से गीतटी बहुत भल लगे एमती थाए से मु तुम बधु नुहे बंधु मु नुहे सागर सिंधु एमती किसी गीत थाए मत गीतटा गुणगुणिया को बहुत भल लगे आ गीतटे शुणिले मानते मत गोटे भितर ही रिफ्रेश लगे मानते इतने सुंदर कलार स्वप्ना चॉइस दि जाए मानते सिंगिंग ना रेडियो अनाउंसर जब केवे कह जाए चूज करने को वन थिंग तो आप क्या चूज करेंगे सर्वाग्रे किए रही इटा तो गोटे डिप्लोमेटिक क्वेश्चन होगा जमती गोटे निशा थाए आमर गोटे पेशा थाए निशारे मोर ब्लड रही अच्छे गीत गाइबा मुझे जोटिक भी जाए सब गुणगुणु थाए माँ सब कहते भर भाया कहीं बाकी जेहेतु पेशा रे मुझे अच्छी गोटे अनाउंसर अच्छी से मुझे चाहे बहुत भल पाए कि दीटा भितर चूज करवाक मु तो चाहिए दीटा को चूज करवाक किसी भी हर्डल्स आंसर टा भी वेरी डिप्लोमेटिक आसला कि चूज करी दुटा एनिवे जहाँ भी हो आप दुईटा जाकर बेस्ट फिट कमलाकांत मैंने गीत भी सुनला और अनाउंसर हिसाब से मतलब बेस्ट वॉइस वेरी मैंने इयर सुदिंग मैंने जो कहते श्रुति कटु नुहे श्रुति मधुर तेणु ये मधुर आवाज सब श्रोता एमती विमुग्ध करू था आग को आप बढ़ी चली था महाप्रभु आपण सब आशीर्वाद दे था आपण श्रोता मानक जमी आम सब फैन बर्तन आपण आवाज शुणी आमको भी आगे शुणा को मिलू बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना ये रही बिलकुल कहतु सेमती तो मुझे फैन कहीपर मत मैं जी भल पाती मोर सेमती जे मैंने एडमायरर हिसाब से नेबी बट फैन फैन ये सब मुझे जमा विश्वास कैन जहाँ को भल लगुच मत भी भल लगे गीत शुणेबाक आपण आज मैंने कथा मो सहित बहुत सारा मुझ मो मन कथा सेयर कली से बहुत बहुत धन्यवाद आ गए छोट कथा जे मु मोर दर्शक बंधु बा मोर घर लोक टीवी माध्यम रे मु समस्त को बहुत मानने शुभकामना जनवाक चाहूँगी एंड कोरोना टाइम रे समस्ते बहुत सुस्थ रुहतु भल रुहतु आउ गोटे कथा हला जे मु मो माँ को बहुत मानने के सुजोग पाएनि जे के प्रशंसा करने जेहेतु गोटे मानते मत गोटे अपॉर्चुनिटी मिली तो मु मोर फैमिली रो ईच एंड एवरी मेंबर को थैंक यू कहवा को चाहू छी आमे भी आशा करू सपना समस्त को आशीर्वाद आपन को पर थाउ एवं आपन मते एमती सफलता सेडी आगो को चढ़ी चली थांतो बहुत बहुत धन्यवाद सपना ई रही थिले अपर अतिथि सपना सडंगी निहाती भाबरे कमलाकांत तांग सदर आलोचना करले बहुत भल भी लागिला ओ सबटा बडा कथा होची दुईटा जको जो रोल तांकर होची सिंगर एवं रेडियो अनाउंसर खूब बिल्कुल माने सबु थ्री से फिट जेमती लागो छी एवं आमे आशा करबा सपना आगो को भी एमती सफलता तांको मिलु थाउ सफलता सेडी से चढ़ी चली थातो समय कार्यक्रम के रखा नमस्कार।